राजस्थान में प्रदेश भाजपा में आपसी खींचातान, विरोध और गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी उनके साथ थे। इनके दिल्ली से लौटते ही सोशल मीडिया पर वसुंधरा समर्थकों द्वारा प्रदेश के 26 जिलों की कार्यकारिणी की सूचियां वायरल होने लगी हैं। इसमें भाजपा के पूर्व विधायक तक शामिल हैं। इस बारे में सतीश पूनिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा, वसुंधरा समर्थकों ने कई जिलों में अपनी टीम में खड़ी कर दी है। केंद्रीय नेतृत्व को भी इस बारे में पता है। अब पार्टी आला कमान जो फैसला करेगा, हम उसे फॉलो करेंगे। समर्थकों की ओर से इस तरह टीम घोषित करने की पार्टी में कोई परंपरा नहीं है। जो सूची अब तक सामने आई है, उनमें संगठन का कोई व्यक्ति नहीं है। इसमें वह लोग शामिल हैं जिनको हमारे यहाँ के लोग पहचानते तक नहीं है, क्योंकि टीम वसुंधरा के नाम से सूचना वायरल हो गई है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व तक यह मामला पहुंचा है। फिलहाल प्रदेश संगठन ऐसी सूचियों का ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है और हम सब संगठनों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। संगठन के विचार और कार्यकर्ताओं से हमारा वजूद है, हमारे वजूद से पार्टी नहीं है। ऐसे में सियासी हलकों में चर्चा तेज है। आखिर दिल्ली में ऐसी क्या बात हुई कि वसुंधरा समर्थकों का मामला खुलकर सामने आ गया। वसुंधरा समर्थक राजस्थान मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विजय भारद्वाज ने कहा कि मैं 2003 से बीजेपी में हूँ। प्रदेश युवा मोर्चा कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य भी रह चुका हूँ। इसी मंच से पिछली वसुंधरा सरकार के कामकाज और उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचा रहा हूं और इसी कड़ी में 25 जिलों की कार्यकारिणी बनाई गई है। इससे बीजेपी को फायदा होगा और 2023 वसुंधरा सीएम बनेंगे। अब तक सब घटनाओं ने राजस्थान में एक नई राजनीति को जन्म दे दिया है। एक तरफ कांग्रेस ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की तो सचिन पायलट ग्रुप उससे संतुष्ट नहीं है, वह भी खुलकर विरोध करने लगा। दूसरी तरफ अभी एनडीए से अलग हुए आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल, जो कि अशोक गहलोत और केंद्र सरकार पर लगातार हमला पर हैं, जबकि सचिन पायलट और वसुंधरा के प्रति उनका रुख नरम है। सचिन पायलट का नाराज होना, बेनीवाल का एनडीए से अलग होना, फिर वसुंधरा का बीजेपी से अलग होने के अटकलें तेज होना, उनकी अलग कार्यकारिणी बनाए जाने की चर्चाएं होना, राजस्थान में एक नई राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। अब तक होती इस राजनीति में किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वसुंधरा सचिन पायलट बेनीवाल एक साथ होंगे, एक नई पार्टी का गठन राजस्थान में करेंगे, या फिर गहलोत और वसुंधरा एक साथ आएंगे और हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट एक साथ होंगे। राजस्थान में हो क्या रहा है, यह सबके समझ से परे है। इधर राजस्थान में नए सिरे से ऑपरेशन लोटस की शुरुआत से पहले भाजपा इंतजार करेगी। पार्टी निकाय चुनाव के साथ ही 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर कांग्रेस को झटका देना चाहती है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर भावी रणनीति का ताना बाना बना है।